फरकान मुझे घर ले जाना चाहते हैं। तो जाओ बेटा, अब तुम और मुझ सब संभल गए हो। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया तुमने? मुझे अपनी सास से डर लगने लगा। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाते। कैसी बातें कर रही हो बेटा, वो खून है उनका, दादी है वो तुम्हारे बच्चे की। जिस औरत के शर से उसकी अपनी औलाद महफूज नहीं है, क्या मुझे उससे डरना नहीं चाहिए? मैंने तो ऐसे तैसे करके अपनी प्रेगनेंसी गुजार ली है, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। फुरकान को बताया है? वो क्या कहता है? अभी मेरी इस मामले को लेकर उनसे कोई तफसीली बात नहीं हुई है, लेकिन शायद वो मेरा मतलब समझ गए और उनको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। पता नहीं मेरी सामिया का क्या होगा, उसने तो अभी तक अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। आप दिल छोटा मत करें, अल्लाह सामिया को बेगुनाह साबित करेंगे। आपस तो वक्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो फरकान? बाहर जा रहा हूँ काम से। क्यों, क्या लुबना का वापस आने का कोई इरादा नहीं है? आप तो सवा महीना भी हुए, एक हफ्ता हो गया है कि आप बच्चे की पहली सालगिरह करके आओगे। नहीं, लुबना ने घर आने से मना कर दिया, वो अलग घर लेना चाहती। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या आप इसे भी तलाक दिलवाओगी? तुम हरकतें तो वैसे ऐसी। मम्मी, खबरदार खबरदार, जो मेरी बीवी के लिए ऐसी वैसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरकान, कि मम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? जब सगी माँ अपनी औलाद पर कीचड़ उछालेगी ना, तो औलाद इसी तरह की बात करेगी। भाई की बीवी पर चक्कर चलाने का इल्जाम लगाएगी, तो फिर यही सूरत हाल होगी फातिमा। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी मम्मी ने फरकान और सामिया पे जो इल्जाम लगाया था ना, वो इसकी सोची समझी साजिश थी। अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो तैयबा से पूछ लो, हम दोनों ने खुद तुम्हारे माँ बाप की बातें सुनी हैं। खाओ अरसलान के सर की कसम अगर मैं झूठ बोल रही हूं। लुबना बिल्कुल ठीक कहती है, हमें इस घर से चले जाना चाहिए। फरकान, ये घर वाकई अब रहने के काबिल नहीं है। मैं भी यहां से जा रहा। नहीं अरसलान, ऐसे मत कहो। अरसलान,